कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक होते ही बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर संगठन पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीसी के जरिए बैठक को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनलॉक होते ही एक्टिव हुई बीजेपी, प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर पदाधिकारियों की हुई बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीसी के जरिए पदाधिकारियों को किया संबोधित। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हुए बैठक में शामिल। प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के साथ ही प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीसी के जरिए संबोधित किया, जहां आने वाले समय में संगठन की ओर से किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर खास प्लान तैयार किया गया। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हमारी कोशिश होगी कि 21 जून को ही हम 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएं। साथ ही सीएम शिवराज ने वैक्सीनेशन के लिए व्यापक रूप से प्रेरित करने पर संगठन पदाधिकारियों को शुभकामना दी। मध्य प्रदेश ने वैक्सीन का महाअभियान प्रारंभ करने का फैसला इसी दिन से किया है। सवेरे 10 बजे एक साथ 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये महाअभियान प्रारंभ होगा और वैक्सीनेशन सेंटर ग्रामवासी उत्साह के साथ भाग लें वैक्सीनेशन के लिए, उसके उपयुक्त व्यवस्थाएं करने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक एक प्रेरक मोटिवेटर जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, उसमें मंत्री भी शामिल है, विधायक सांसद भी शामिल है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी तो व्यापक पैमाने पर प्रेरित करने का काम कर रही है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को और पार्टी को बधाई देता हूं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाज से भी, मध्य प्रदेश की अलग अलग हस्तियां सब प्रेरक के रूप में भाग लें, मोटिवेटर के रूप में भाग लें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि 21 जून को ही लगभग 10 लाख डोज वैक्सीन के हम अपने नागरिकों को लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की माने तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्येक मंडल में 2 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, साथ ही 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से 6 जुलाई तक विचार गोष्ठियां एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खास तौर पर आज प्रदेश के हमारे महामंत्रियों की और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देशव्यापी अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, मैंने बीच में उल्लेख किया था, जिसमें खास तौर पर 21 जून को योगा दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके विजनरी व्यक्तित्व के कारण 193 देशों ने जिसकी मान्यता दी थी, उस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरे भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे इमिनेंट पर्संस पूरे मध्य प्रदेश के, तो अलग अलग प्रकार से लोग इसमें सम्मिलित होंगे। कोविड के इस महामारी के संकट में भी योगा का अपना एक महत्व साबित हुआ है, तो इसलिए इस दिशा में हम बहुत नीचे तक योगा के प्रति जागरूकता लोगों में आए, तो उसके निमित्त योगा दिवस पर हम इस अभियान को बड़े पैमाने पर हमने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून को और जन्मतिथि 6 जुलाई को होती है। यह भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के निमित्त प्रत्येक बूथ स्तर पर
भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हम उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम और उनके विचारों को अपने कार्यकर्ताओं तक लेकर के जाना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना सजोया था, जिसके लिए जनसंघ बना था, और हम लोग जो नारा देते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो ये जो वर्ष है वो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस धारा 370 जिसके लिए जनसंघ की स्थापना हुई, उस सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी ने पूरा किया। तो इस निमित्त इन सारी बातों को, उनके विचार को प्रतिपादित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ स्तर पर हम करेंगे। और इसी दौरान हमने इस सप्ताह में वृक्षारोपण का अभियान लिया है। भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की बूथ समिति होती है, तो बूथ समिति के सभी कार्यकर्ता एक एक वृक्ष लगाएं, ये हमने टारगेट लिया है, और एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहां सुरक्षित रहें। वहीं इन कार्यक्रमों को लेकर लगभग 1000 मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो गया है, जहां यह प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।